चलो मोदी जी, मुझे लगता था बड़ा दिक्कत होगी तुम्हारे ट्रक का ये आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिल लाने में, लेकिन मेरा घोड़ा आराम से ले आया। चलो अब इसे उतरवा लो और मेरा किराया भी दे दो। वैसे मोदी जी एक बात पूछूं, ये आपके ट्रक का आगे वाला हिस्सा अलग कैसे हो गया ट्रक से, दो टुकड़ों में कैसे बट गया तुम्हारा ट्रक? अखिलेश मैं क्या बताऊं, मैं कितने बड़े नुकसान में बैठा हूं, तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा ट्रक चलते चलते दो टुकड़ों में बट गया। अब आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिन तो मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी पे रख के ले आया, अभी पिछले वाला हिस्सा भी लाना है, फिर दोनों हिस्सों को मुझे वेल्डिंग कराना है, दोनों को ज्वाइंट कराना है। और अखिलेश अभी तुम पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे मोदी जी कौन से पैसे की बात, कैसी बात करती हो? जो तुम्हारे ट्रक का अगले वाला हिस्सा मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाया हूँ यहाँ पर दुकान पर, तो इसके पैसे दो मुझे। भाई अखिलेश भड़कना मत, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा किराया किस बात का हो गया? तुम मेरे ट्रक के केबिन में आराम से बैठ के आए हो। अखिलेश मैं अपने ट्रक के केबिन में अगर कोई सवारी बैठाता था तो उस सवारी से मैं 10 किलोमीटर दूरी के 500 रुपए लेता था, और तुम तो 5 किलोमीटर दूरी से लाए हो मेरे ट्रक के केबिन को और उसमें बैठ के आए हो, तो किराया दो तुम उसी किराए में से। मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा किराया 100 रुपए बना। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, तुमने तो मुझे उल्टा फांस दिया। अरे मेरी घोड़ा गाड़ी पे तुम्हारे केबिन ने पूरी जगह घेर रखी थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं अंदर बैठ के आ गया, कहाँ बैठ के आता, तो तुम केबिन में बैठने का किराया लोगे? अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। इंस्पेक्टर योगी जी, मोदी जी मेरा किराया नहीं दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी पे मैं इनका ट्रक का अगला हिस्सा लाया था ये केबिन। क्यों भाई मोदी जी, अखिलेश का किराया क्यों नहीं दे रहे हो, किराया दो उसका। योगी सर जी पूरी बात जानो तभी मुझसे किराया मांगना, ये मेरे ट्रक के केबिन को अपने घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाए थे और उसमें बैठ के आए थे, ये बताओ उसमें बैठने का मैं अपना किराया नहीं लूंगा? ये मेरे ट्रक के केबिन में अंदर बैठने का किराया दे दे, मैं इनका किराया दे दूंगा, नहीं तो ये अपने रास्ते अखिलेश, मैं अपने रास्ते। बात तो सही कह रहे हो मोदी जी। अखिलेश तुम मोदी जी के ट्रक के केबिन यानी कि अगले हिस्से में अंदर बैठ के क्यों आए, तुम बाहर बैठ के आते, अब तो किराया बराबर हो गया दोनों लोगों का। मोदी जी आपका ट्रक के दो हिस्से कैसे हो गए? और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल मोदी जी ये क्या कर रहे हो तुम, तुमसे तो कोई काम कराना ही बेकार है, ये क्या कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रहे हो, एक रोटी को 10-10 लोग खाएंगे। अरे शाम को भंडारा है, मैंने कहा था कि छोटी छोटी रोटी तैयार कर लो जल्दी जल्दी, इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह ही बुला लिया। अरे योगी जी मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी को रोटी बनाने के लिए मत बुलाना, तुमने उन्हीं को बुला लिया, क्योंकि ये रोटी बनाने में कुछ ना कुछ घपला कर देते हैं, अगर ये नहीं करते तो राहुल साथ में रहता है इनके, वो कर देता है कोई ना कोई घपला। अरे राजनाथ सिंह जी कैसी बात कर रहे हो, आपकी बात बिल्कुल भी मेरे हजम नहीं हो रही है। अरे मोदी जी तुम्हारे बात हजम नहीं हो रही है, हम इतनी बड़ी रोटी कैसे हजम कर पाएंगे जी बताओ। अरे हमने शाम के भंडारे के लिए छोटी छोटी रोटी बनाने को कहा था आपसे, रोटी नहीं रोटा तैयार कर दिया, बहुत बड़ा चपाता। देखो योगी जी मेरी बात गौर से सुनो, जब तुमने बताया कि शाम को भंडारा है और बहुत से लोग खाने के लिए आएंगे, तो हमारे हाथ पैर फूल गए, हमने सोचा इतनी जल्दी रोटी कैसे बनाए, तो मैं तुरंत भागा भागा लोहा मंडी गया, वहां से बहुत तगड़ा ये तवा खरीद के लाया समझे, फिर हमने आटे को तैयार किया और मैंने राहुल से कहा बड़ी बड़े गुल्ले बनाऊं आटे के। अब ये बड़ी बड़ी रोटी तैयार हो रही है, एक रोटी को कम से कम 10 लोग खा लेंगे समझे, मिल बांट के। अरे वैसे भी तो रोटी तोड़ तोड़ के ही खाते हैं, इस रोटी के 10 टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे 10 टुकड़े, सबको एक एक टुकड़ा देते रहना जो भी भंडारे में खाने के लिए आए। अरे मोदी जी हमारा यही काम रह गया है कि हम रोटी के टुकड़े करते रहे, छोटी रोटी होती एक रोटी उठा के दे देते खाने वालों को हम, अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी के टुकड़े कौन करेगा, कौन करेगा टुकड़े? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी तैयार कर दी। अरे योगी जी नाराज क्यों हो रहे हो, अरे रोटी के टुकड़े हम कर देंगे, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है हमेशा, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए फिरते हो, हमने बड़ी बड़ी रोटी बना दी, कोई गलत किया ये बताओ, कुछ गलत थोड़ी किया। अरे राहुल तुम तो बोलो ही मत, तुमने आटे के बहुत बड़े बड़े गुल्ले बनाए, तभी तो मोदी जी ने बड़ी बड़ी रोटी बनाई समझे, सब कुछ करा धराया तुम्हारा है, तुम क्या तुम तो रोटी बना के चले जाओगे, भाई से कम तुम्हें 1000 रोटी बनाना पड़ती छोटी छोटी, अब ये तुम 100 रोटी मुश्किल से बना के चले जाओगे सारे के सारे आटे में। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।